भीषण गर्मी के इस मौसम में पेयजल की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिससे कार्यालयों में आने वाली जनता को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिले के मुखिया का कार्यालय भी पेयजल के संकट से जूझ रहा है। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पानी की आवश्यकता बढ़ गई है, लेकिन जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही पेयजल की समस्या है। कार्यालय में ठंडे पानी के इंतजाम के लिए कूलर तो लगे हैं, लेकिन ना ही इनमें ठंडा पानी आ रहा है और ना ही यह ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। कार्यालय में लगी पानी की टंकियां भी खुली पड़ी हैं। ऐसे में सरकारी काम से कार्यालय आने वाली जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग तेज धूप और गर्मी में पानी के लिए परेशान है। कलेक्ट्रेट साहब ने यहाँ पर जो लगवाया भी है अपना यहाँ पानी की व्यवस्था की है, यहाँ फ्रीजर लगा हुआ सब है, लेकिन इस फ्रीजर में कभी कभी तो गरम गरम पानी आता है, कभी ठंडा आता है, कभी ये बिगड़ा हुआ रहता है। और अभी देखो वर्तमान में इसके दो नल बस चल रहे हैं, दो या एक नल चल रहा है, उसमें भी गर्म पानी आ रहा है। यहाँ कलेक्ट्रेट में जो लोडिंग हो के यहाँ कैन आ रहे हैं वो अधिकारियों के लिए आ रहे हैं, पूरी फिल्टर पानी आ रहा है उन लोग के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ जो पब्लिक है वो बेचारी गर्म पानी पी रही है। नल लगे हुए हैं लेकिन एक ही नल चल रहा है बस, वो भी गर्म पानी आ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में दो टंकियाँ लगी हुई है जहाँ से पानी की व्यवस्था है, लेकिन वो टंकियाँ खुली हुई है, और वो टंकियाँ खुली हुई है तो उसमें अब आप सोच सकते हैं कुछ भी चीज़ गिर सकती है और सड़ सकती है। तो वैसे भी टंकी हमारे ख्याल से जब से लगी है तब से साफ नहीं हुई है। आम जन जो यहाँ पे अपनी परेशानी लेके आता है उसको कम से कम साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था तो हो सके कम से कम। खास बात यह है कि पेयजल के लिए परेशान लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।